नमस्कार दोस्तों, आज खेसारी लाल यादव की जिंदगी के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। खेसारी लाल यादव की जिंदगी बहुत ही गरीबी में बीती है। सात भाइयों के बीच में सिर्फ एक जींस होता था जिसको सारे भाई आपस में बदल बदल के पहनते थे। एक ऐसा समय भी रहा जब उनको मूंगफली तक बेचना पड़ा। अपनी पत्नी के साथ गरीबी के वो सारे दिन देखने के बाद आज खेसारी लाल यादव सुपरस्टार बने हैं। लेकिन खेसारी जानते हैं कि वो दिन वो भूले नहीं है जब लिट्टी चोखा तक वो बेचा करते थे। खेसारी अपने गरीबी की दास्तान सुनाते सुनाते रो पड़ते हैं। उनके शुरुआती स्ट्रगल के दिनों को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक गरीबी के संघर्ष से उठा आदमी कितना तप कर खरा सोना बनता है। खेसारी लाल यादव की जिंदगी को आपको नए सिरे से समझने की जरूरत है। खेसारी लाल को मैं उस मुकाम तक पहुंचते हुए देखा है, लेकिन आपने ये नहीं समझा है कि आखिर खेसारी लाल कितने मेहनत से और कितनी गरीबी से निकलकर वहां तक पहुंचे हैं। खेसारी लाल यादव के बारे में कहा जाता है कि वो अपने समय के प्रति काफी पाबंद हैं। हमेशा ही समय को वो अपना सब कुछ मानते हैं। समय के साथ सारी चीजें करना उनके अनुशासन में है। आज वो फिल्मों के जरिए अगर इस मुकाम पे पहुंचे हैं तो उसके पीछे उनका ये अनुशासन भी है। अमिताभ बच्चन से प्रेरित हैं खेसारी लाल यादव और वो बार बार कहते हैं कि मैं उन्हीं की तरह हमेशा सेट पे समय से पहले पहुंचना चाहता हूं। खेसारी लाल यादव की भूमिका आज भोजपुरी सिनेमा में जिस तरीके से सुपरस्टार के रूप में है, वो इसलिए भी है कि वो अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करते हैं। खेसारी लाल यादव और के जिंदगी पर प्रकाश डालने के लिए अगर मैं कहूं तो उनके जितनी भी फिल्में हैं आप उसकी एक यात्रा कर सकते हैं। उन फिल्मों को एक बार आप देख सकते हैं, उन फिल्मों में आपको ये पता चल जाएगा कि खेसारी लाल की जिंदगी कितनी संघर्षपूर्ण रही है। खेसारी लाल की और भी जिंदगी के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए ताकि भोजपुरी सिनेमा के बारे में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैं जानकारी दे सकूं। नमस्कार।